Hello students, today we will discuss about hydatiform mole or vascular mole or molar pregnancy. Hydatiform mole, hydatiform दो वर्ड से मिलके बना है जिसका मीन है, एक होता है हाइडिटी एंड सेकेंड होता है मोल. हाइडिटी का क्या मीन होता है, वॉटरी वेसिकल्स, एंड मोल का मीन्स होता है मास. इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. इट इज रेयर मास ग्रोथ दैट फॉर्म इनसाइड द वॉम यूट्रस एट बिगनिंग ऑफ ए प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के बिगनिंग में, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में एक यूट्रस के अंदर एक मास की ग्रोथ होती है. और इट इज़ आल्सो एज मोलार प्रेगनेंसी एंड वेसिकुलर मोल. उसको मोलार प्रेगनेंसी और वेसिकुलर मोल भी बोलते हैं. ठीक है, इसमें प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में ही एक ना एक यूट्रस के अंदर एक मास लाइक फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको वेसिकुलर मोल या हाइडेटिफॉर्म मोल बोलते हैं. इसकी डेफिनेशन देखते हैं. इट इज़ एन अबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द प्लेसेंटा वेयर देयर आर पार्शली डिजनरेटिव एंड पार्शली proliferative changes in the young chorionic villi. These result in formation of cluster of small cyst of varying sizes. Means ये एक abnormal high risk pregnancy होती है जिसमें chorionic villi का degeneration या फिर proliferation होना start हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि कुछ small cyst का formation होना start हो जाता है, जो अलग अलग साइज की होती हैं ना, और वो स्मॉल सिस्ट फिर मास में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो मास लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है. अब देखते हैं इसके टाइप्स. ये टू टाइप्स के होते हैं. पार्शियली हाइडेटिफॉर्म मोल फर्स्ट मे बी नॉर्मल प्लेसेंटल टिश्यू अलोंग विद एबनॉर्मल फॉर्मिंग प्लेसेंटा. पार्शली हाइडेटिफॉर्म मोल में क्या होता है कि जो नॉर्मल प्लेसेंटल टिश्यू उसके साथ में एबनॉर्मल प्लेसेंटल टिश्यू का भी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, और इसमें फिटस का भी डेवलपमेंट होता है, लेकिन फिटस सर्वाइव नहीं कर पाता है. ठीक है, फिटस प्रजेंट होता है और यूटेराइन साइज लेस देन द डेट. मीन्स जो जितने टाइम की प्रेगनेंसी है उतने टाइम से यूटेराइन साइज कम हो जाता है. ये है पार्शियली हाइडेटिफॉर्म मोल. एंड सेकंड कंप्लीट हाइडेटिफॉर्म मोल. इट इज प्लेसेंटल टिश्यू एबनॉर्मली स्वेलोन एंड अपियर टू फॉर्म फ्लूइड फिल्ड सिस्ट एंड देयर आल्सो नो फॉर्मेशन ऑफ फीटल टिश्यू. इसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटल टिश्यू होता है वो एबनॉर्मली स्वेल होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, और उनमें फ्लूड फिल होना स्टार्ट हो जाता है सिस्ट के, और वो सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, फ्लूड फिल्ड स्ट्रक्चर. ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो उसमें इसके अंदर क्या होता है कि फीटस टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब फीटस इसमें एब्सेंट होता है, और इसमें यूटरस की साइज मोर देन जेस्टेशनल एज से मोर देन ज़्यादा बढ़ जाती है. अब देखते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ पार्शियल हाइडेटिफॉर्म मोल. इसमें क्या होता है कि जो एक फीमेल गमेट के साथ में टू मेल गमेट का फ्यूजन होता है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो जायगोट डेवलप होता है उसमें 69XXY क्रोमोसोम हो जाते हैं. इसको क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोइडी 69XXY सेल्स. ठीक है, जिसमें क्या होता है कि मदर के एंड पैटर्नल, मदर के तो 23X होते हैं लेकिन पैटर्नल के 23 23 दो मिलके, और ये तीनों मिक्स होके 69XXY क्रोमोसोम इसमें हो जाते हैं. अब देखते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ कंप्लीट
हाइड्रेटिफॉर्म मोल। कंप्लीट हाइड्रेटिफॉर्म मोल में क्या होता है कि इसमें मैटरनल क्रोमोसोम इनएक्टिवेट होता है, इसमें मैटरनल क्रोमोसोम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वो इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है। और इसमें जो पैटर्नल क्रोमोसोम है उनका उनका डुप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण पैटर्नल क्रोमोसोम के डुप्लीकेशन के कारण वो 46XX क्रोमोसोम में ट्रांसफ़र हो जाता है। और इस और जब सेल डुप्लीकेशन होता है तो उसमें भी 46XX क्रोमोसोम हो जाते हैं। देखते हैं इसमें नॉर्मल कंसेप्शन में क्या होता है कि टू सेट्स ऑफ जीन्स, वन पैटर्नल एंड वन मैटर्नल, देन नॉर्मल फिटस डेवलपमेंट। एंड कंप्लीट मोल में क्या होता है, टू सेट्स ऑफ पैटर्नल जीन्स एंड नो मैटर्नल जीन्स, तो नो फिटस डेवलपमेंट। एंड पार्शियली मोल में क्या होता है कि थ्री सेट्स ऑफ जीन्स, वन इज मैटर्नल एंड टू इज पैटर्नल एंड नॉन वायबल फीटस। इटियोलॉजी देखते हैं इसकी, टीनेजर प्रेगनेंसी। टीनेजर प्रेगनेंसी में जो प्रेगनेंसी लेस देन 19 ईयर से बिलो होती है उनमें भी उनमें ये कंडीशन देखने को मिलती है, या फिर जिसमें मोर देन 35 ईयर एज की कंडीशन में भी यह कंडीशन देखने को मिल सकती है। और इन एडिक्वेट इनटेक ऑफ प्रोटीन एंड एनिमल फैट, मतलब मैटरनल न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, माल न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है, या लो इनटेक ऑफ प्रोटीन एंड एनिमल फैट की कमी की वजह से, या लो इनटेक ऑफ कैरोटीन की वजह से भी यह हो सकती है। डिस्टर्ब मैटरनल इम्यून सिस्टम, मैटरनल का अगर इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब्ड है उसकी वजह से भी यह हो सकता है। साइटोजेनिक एबनॉर्मलिटी की वजह से भी यह हो सकता है। प्रायोरिटी हाइड्रेटिफॉर्म मोल पहले, अगर हाइड्रेटिफॉर्म मोल है पहले की कंडीशन, पहले अगर हाइड्रेटिफॉर्म मोल की कंडीशन अगर उसमें हो चुकी है तो उसके भी आगे होने के भी चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। और साइटोजेनिक मीन्स कोई अगर क्रोमोसोमल कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है तो उसका भी ये उसकी वजह से भी ये एबनॉर्मलिटी हो देखने को मिलती है। देन देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में देखते हैं इसके सिम्टम्स। एमिनोरिया, एमिनोरिया यूजुअली 2 to 3 मंथ तक देखने को मिलता है, ठीक है, और एग्रीगेटिंग सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी स्पेशली वोमिटिंग, इसमें सीवियर नोजिया वोमिटिंग भी देखने को मिलता है। और उस वेजाइनल ब्लीडिंग भी होगी इसमें, और वेजाइनल ब्लीडिंग डार्क ब्राउन कलर की वेजाइनल ब्लीडिंग होगी एंड एसोसिएटेड विद पासेज ऑफ वेसिकल्स, और उसके साथ में ब्लीडिंग के साथ में वेसिकल्स भी पास होंगे तो वो भी विजिबल होंगे, वेसिकल्स या ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो भी देखने को मिलेगी ब्लीडिंग के साथ में। देन एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन होगा पेशेंट को, पेन कैसा होगा, डल एकिंग ड्यू टू रैपिड डिस्टेंशन ऑफ द यूट्रस, डल एकिंग पेन होगा, ठीक है, क्योंकि यूट्रस का साइज लगातार बढ़ रहा है उसकी वजह से। कोलिक की पेन होगा या सडन और सीवियर परफोरेटिंग मोल, या मोल अगर परफोरेट कर जाता है तो उसकी वजह से सडन और सीवियर पेन भी देखने को मिलता है। देन देखते हैं इसके साइन। साइन में हम क्या क्या देखेंगे, फीचर सजेस्टिव ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी। अर्ली प्रेगनेंसी में जो जो फीचर्स दिखाई देते हैं, साइन सिम्टम दिखाई देते हैं, वो भी इसमें दिखाई देंगे, जैसे नोजिया वोमिटिंग वगैरह। और इल लुकिंग पेशेंट, इल दिखाई देगी और पैलर दिखाई देगी। और पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें क्या दिखाई देगा, साइज मोर देन जेस्टेशनल, यूट्रस का साइज मोर देन जेस्टेशनल एज होगा। डोफी फील ऑफ यूट्रस, डोफी फील मतलब यूट्रस इलास्टिक फील होगा, लचीला फील होगा। और नो फीटल पार्ट और मूवमेंट, फीटल के कोई पार्ट या फिर फीटल मूवमेंट को फील नहीं होगा।
एक्सटर्नल ब्लॉटमेट एबसेंट होगा और फीटल हार्ट रेट भी एबसेंट होगी। और वेजाइनल एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे, वेजाइनल एग्जामिनेशन में क्या देखने को मिलेगा, नो इंटरनल ब्लॉटमेंट एंड यूनिलेटरल और बाइलेटरल एनलार्जमेंट ऑफ ओवरीज एंड फाइंडिंग ऑफ वेसिकल्स इन वेजाइनल डिस्चार्ज एंड देन इफ सर्वाइकल इज ओपन ब्लड क्लॉट और वेसिकल्स में बी फेल्ट। सर्वाइकल सर्विक्स अगर ओपन होगी तो ब्लड क्लॉट एंड वेसिकल्स भी देखने को मिलेंगे। देन अब कर इसकी इन्वेस्टिगेशन देखते हैं। सीबीसी एंड एबीओआरएच ग्रुपिंग करेंगे पेशेंट का, ठीक है, और आरएफटी रिनल फंक्शन टेस्ट, ठीक है, एलएफटी आरएफटी एंड टीएफटी करेंगे पेशेंट की, ठीक है। आरएफटी लिवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी सॉरी लिवर फंक्शन टेस्ट आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट एंड टीएफटी इज थायराइड फंक्शन टेस्ट एंड यूएसजी करेंगे पेशेंट की। तो यूएसजी में क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, यूएसजी में यूट्रस के अंदर स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलेगी, मीन्स बर्फ बर्फ के जो गोले होते हैं ना उसके जैसी अपीयरेंस देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में बीटा एससीजी चेक करेंगे, उसमें क्या होगा कि एससीजी का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा यूरिन में, और जो एससीजी का लेवल है वो कंटिन्यूस इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, और जो नॉर्मल जो जेस्टेशनल एज ऑफ प्रेगनेंसी होगी उससे भी बढ़ा हुआ मिलेगा एससीजी का लेवल। और अब एक्सरे में देखते हैं कि जो चेस्ट एक्सरे होगा उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, इफ़ यूटेराइन साइज मोर देन 60 वीक्स एब्सेंट फीटल शेडो, यूट्रस में मोर देन 60 वीक ऑफ प्रेगनेंसी होगी तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, एब्सेंट फीटल शेडो, ठीक है। चेस्ट एक्सरे में क्या देखने को मिलेगा, चेस्ट एक्सरे करेंगे तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखने को मिलेगा पेशेंट में। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है कि जो लंग्स की आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हो जाती है ड्यू टू ब्लड क्लॉट्स, या फिर इसमें क्या कंडीशन होगी, ब्लड क्लॉट या फिर जो ब्लड के साथ में थ्रू जो वेसिकल्स या फिर ब्लड क्लॉट ट्रेवल करते हुए वो पल्मोनरी सॉरी लंग्स की आर्टरी तक पहुंचकर वहाँ उसको ब्लॉक कर देते हैं। देन हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट की। देन इसका देखते हैं अब मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में फर्स्ट ग्रुप ए मोल इज प्रोसेस ऑफ एक्सपल्सन एंड ग्रुप बी इनर्ट यूट्रस, तो इसमें क्या करेंगे, सपोर्टिव थेरेपी फॉर एनीमिया एंड इन्फेक्शन, तो सपोर्टिव थेरेपी देंगे पेशेंट को एनीमिया और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, तो इसके लिए क्या देंगे, आईवी फ्लूइड स्टार्ट करेंगे पेशेंट में, ठीक है, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं अगर नेसेसरी हो तो, और इन्फेक्शन के लिए उसको एंटीबायोटिक देंगे, और अगर पेन हो रहा है पेशेंट को तो पेन रिलीफ देंगे पेशेंट को। देन डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या करेंगे इसका, सक्शन इवैक्यूएशन, तो इसमें ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में डिवाइड किए इसको। ग्रुप ए में क्या देखते हैं कि सर्विक्स इज फेवरेबल, अगर सर्विक्स डायलेटेड है तो सक्शन इवैक्यूएशन करेंगे, और सक्शन का प्रेशर कितना होगा, 250 mmHg, और डीएनसी डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज भी कर सकते हैं, डिजिटल एक्सप्लोशन फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ मोल बाय ओवम फोर्सेप, जब ओवम फोर्सेप का यूज करेंगे मोल को रिमूव करने के लिए तो अंडर यूएसजी गाइडेंस करेंगे। देन पोस्ट प्रोसीजर, इसके बाद में पेशेंट को मिथार्जिन देंगे 0.2 mg IM। ग्रुप बी में क्या करते हैं, सर्विक्स ट्यूबल एंड क्लोज, सर्विक्स और क्लोज होता है तो उसमें सर्विक्स को डायलेट करेंगे थ्रू लेमिनेरियो टेंट या मिजोप्रोस्टोल टैबलेट के थ्रू, ठीक है, और मिजो 3 आवर बिफोर सर्जरी देंगे मिजोप्रोस्टोल टैबलेट उसको, ठीक है, और उसके बाद में वही डीएनसी या डायलेटेशन इवैक्यूएशन करेंगे पेशेंट का, ठीक है, और उससे भी अगर मैनेजमेंट नहीं होता है तो पेशेंट की हिस्टेक्टमी की जाती है,
तो हिस्टेरेक्टमी के किस कंडीशन में करेंगे? अगर पेशेंट की एज 35 ईयर से ज़्यादा हो या फिर पेशेंट की फैमिली कंप्लीट हो चुकी हो तो उस कंडीशन में हिस्टेरेक्टमी करेंगे पेशेंट की, या फिर उसको और भी ज़्यादा रिस्क डेवलप हो सकता है उसमें, तो ऐसी कंडीशन में ठीक है। उसके बाद में एनटीडी देंगे उसको, अगर मदर आरएस नेगेटिव है तो मदर को एनटीडी इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन देंगे पे। देन वेजाइनल क्यूरेटेज 5 to 7 days आफ्टर इवैक्यूएशन इन परसिस्टेंट ब्लीडिंग। अगर परसिस्टेंट ब्लीडिंग देखने को मिल रही है इवैक्यूएशन प्रोसेस के बाद में भी, 5-7 दिन के बाद में ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, तो फिर वेजाइनल क्यूरेटेज करेंगे। अब देखते हैं इसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में फर्स्ट 24 आवर तक मॉनिटर करेंगे पेशेंट में, और कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं देखने को मिल रही है। एनटीटी देंगे पेशेंट को, हेल्प टू कोप विद प्रेगनेंसी लॉस, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे ठीक है, उसकी एंजाइटी को कम करेंगे, फॉलो अप केयर के लिए उसको समझाएंगे। तो इसमें और एडवाइस कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड उसको देने के लिए उसको वो एजुकेट करेंगे। पेशेंट को प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए एडवाइस करेंगे मिनिमम 1 ईयर तक ठीक है, और उसको फॉलो अप में बुलाएंगे एवरी मंथ, एटलीस्ट 6 मंथ तक उसको फॉलो अप में बुलाएंगे पेशेंट को ठीक है। फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, अगर पेशेंट में अगर फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है तो उसको इवैल्यूएट करेंगे।